माँ बड़ी दादी है वो हमारी, सौकन है वो मेरी। अब जो ये फेल हुई ना तो मैंने खड़का देनी है इसकी शादी। है ना सच्ची? हाँ मुझे याद है, मैंने अभी तो याद किया, अभी तो लिखा है। अब बस पहला वर्ड बता दें। पहला वर्ड है निकम्मा। आया हम यहाँ फूफा के इंतकाल पे थे और आपने कुल से पकड़ के हमारे निकाह करवा दिया। शुक्र करें करवा दिया निकाह, सदमे के आलम में ज्यादा सोचो विचार का वक्त ही मिला ना हमें। मिशी नहीं आए, वो एक लेंस गुम हो गया बेचारी का। लो जी सब बैठ जाए आराम से, दो घंटे से पहले तो नहीं निकलने वाली वो। लो आ गई दुखियारी की काल। नहीं, नहीं, नहीं। ना मत उठाइएगा, फाजी के रिश्ते का सुनकर फौरन पहुंच जाएगी। तो मीशी को देखो। हाँ कहो, ऐनक लगा कर आ जाए। मीशी क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ? ओह माय गॉड, क्या हुआ? फाजी भैया मेरा पाँव गया। देख कर नहीं चल सकती थी, एक ही लेंस लगा था मेरी आंख में। लो अम्मा गुल खिला दिया, गुल की बहन मर गई मैं। लो जी लग गई नजर तुम्हारी दादी बदपरवर की, जरूर इस फाजी ने फूक मार दी होगी हादी के कान में। मैंने किसी के कान में जाकर कोई फूक नहीं मारी, और उसके घर तो खुद आ रहे हैं रिश्ते वाले। मैं तो कहता हूँ इसके रिश्ते को छोड़ो, लड़की को डॉक्टर के पास लेके चलते और आज का प्रोग्राम कैंसिल हुआ। नहीं नहीं ये ठीक है ना, ये ठीक है। फाजी भाई बहुत दर्द हुआ। अरे ऐसे कैसे ठीक है, इसके गले में भी दर्द है। चलो डॉक्टर के पास चलते, प्रोग्राम कैंसिल कैंसिल कैंसिल। अच्छा अच्छा तुम हमारा दिमाग चाट लो, आओ बहन को पकड़ो। घर दबीर चल दो फटा। ये हादी भैया का रिश्ता देखने आ रहे हैं या कोई इंस्पेक्शन करने? तुम मुंह बंद करके काम नहीं कर सकती? तो आपको भी ना किसी ने बद्दुआ दी है हर वक्त काम करने की। थक गई मैं, मुझे लगता है एक दिन मेरे हाथ ही टूट जाएंगे। ना बेड़ा गर्क हो, कब अकल आएगी तुम्हें? इनकी अकल का तो पता नहीं, लेकिन वहां गाड़ी आ गई है मेहमानों की। ला जल्दी से सफाई करो, अगर मैं इस घर में ना हूं तो इस घर में क्लीन नहीं है। मेरी हड्डी तोड़ दी फटे मुँह तेरा। ला मेरे बोला, बेबे स्टेटस लगा दूं हड्डी टूटने का? हाँ हाँ ला दे ला दे, शरीकों का कलेजे में ठंड पड़ जाएगी। अरे बासु पता नहीं। अरे हादी भैया मेहमान आ गए, तैयार हो जाएं। क्या करूं, सहरा पहनूं या शेरवानी पहनूं यहाँ तक? अब बेटा कपड़े तो बदल लो, मेहमान आ रहे हैं। चाची ठीक है यही। मैं वो शॉकिंग पिंक वाला जोड़ा पहन लूं और थोड़ा सा मेकअप भी कर लेती हूँ। तुम्हारा रिश्ता नहीं आ रहा, हादी का आ रहा है। तुम जाओ जाके छोटी अम्मे की तरह से जग लेके आओ। मैं नहीं जा रही, वहाँ चंगेज खान होंगे वहाँ पे। मैंने कहा ना मुंह बंद करो, जाके जग लेके आओ। तुम ही तोड़ा था, जाओ। तू लड़की तुम बड़ी कूल है लेकिन दुनिया बड़ी फजूल है। बेटा जरा मेरी मदद करो ना, सोफा आगे करना है। रिश्ता देखने आ रहे हैं, मेरा कोई ओपटन छोपटन लगाएं, काम करवा रही है मेरे से। सही है, बस बस रहने दे बुआ, वो रिश्ता था ही फजूल। पहले मेरी साड़ी जली, फिर फाजी की गाड़ी खराब हो गई, फिर मिशी के पाँव में मोच आ गई। इसी से खुद अंदाजा लगा लें आप। ओहो इसमें माइंड करने वाली क्या बात है फल्की बुआ, वैसे बहुत फजूल बात की लड़की की माने। नहीं हमें ये रिश्ता नहीं चाहिए, कोई और दिखाएं। सिर्फ 30 लड़कियां दिखाई हैं आपने अभी तक, और बातें आप माशाल्लाह 3600 कर चुकी हैं। सुन ले बुआ, हादी से पहले होना चाहिए फाजी का रिश्ता, वरना मेरी सौतेली चची ऐसे फिरेंगी जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत कर आई हो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। पूरे 27 साल 4 महीने का हो गया है बेटा बेटा, और मैं 24, पर बताती सबको 20 हूँ। भाई इंजन चलेगा तो पीछे डब्बे चलेंगे ना। आखिरी डब्बा तो आपने इंजन के फौरन बाद ही लगा के चला दिया। रूमी की किस्मत तो वैसे तेज थी मेरी तरह। मीनू तू दीवार से कान लगा के हमारी जासूसी कर रही है? अरे नहीं नहीं वो जग लेने आई थी मैं। आ गए रिश्ते वाले, कौन लोग हैं? पता नहीं। हाँ ये क्या हुआ? आई आराम से मोच आई है। जा जा के जग ले ले जा। और बेबी जिग-जैग नहीं खेल रही हूँ, तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, कुछ तोड़ ना देना। नहीं नहीं अल्लाह का पक्का वादा कुछ नहीं टूटेगा, आप देखेगा। बावली टकरा टकरा के एक एक करके मेरा सारा जहेज तोड़ दिया। वैसे लगता है किशोर चाची की भी करीब की नजर खराब है, अच्छे खासे रिश्ते थे आसपास। मसलन? मसलन वो गली के नुक्कड़ वाले खालिद अंकल की सुंदर। ओहो उसे तो रहने दो, जब वो हंसती है ना अम्मा उसका पूरे का पूरा जबड़ा दिखाई देता है। पूरा जबड़ा? ये तस्वीर देखिए कैसी है। देखकर नहीं चल सकती क्या? सॉरी। पेपर कैसे चल रहे हैं तुम्हारे? माशाल्लाह बहुत अच्छे।
पिछले साल भी ना बहुत अच्छे चल रहे थे, तभी लुढ़क गई थी दो पेपर्स में। अब मैं जाऊँ, वो ना हादी भाई को देखने के कुछ मेहमान आए हुए। हाँ जाओ, मैं भी आ रहा हूँ 10 मिनट में। क्यों? हाँ हाँ जी। क्या मुर्गी खाना है लड़के का? जी पोल्ट्री फार्म। हमने तो सुना था अपना बिजनेस करता है लड़का। है तो केड़ा गलत सुना था, बिजनेस ही तो है, इतना बड़ा पोल्ट्री फार्म कारोबार अपना जाती, हमने तो कभी गुरूर ही नहीं किया। लेकिन क्यों, कोई मसला है आपको मुर्गी खाने से? अरे बहन, एलर्जी है हमारी फरवा को अंडों से। है तो अंडे तो मुर्गी ने देने, कौन सा हमारे लड़के ने देने। तो बता देना इनको, हादी भैया को तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इस बिजनेस में। चुप करो। ना बिजनेस में इंटरेस्ट है ना नौकरी करता है, तो हमारी बच्ची को खिलाएगा क्या? अंडे? एक्सक्यूज मी, तुम भी जाओ किचन में। तो क्या सोचा है आपने फिर? जी सोच रहे हैं, अभी समझ नहीं आ रहा कुछ। सोचे कौन सा मिल आता है इसमें। अब चाय पिए ना, चाय पीजिए। चाय कम, पानी ज्यादा लग रहा है। सही कह रहे। बात सुनो, क्या फजूल बातें कर रही थी अंदर? मैं फजूल बातें कर रही थी? वो कर रहे थे फजूल बातें, वो भी हमारी देसी कुकर की नगेट्स खाकर। जबान को ना कंट्रोल में रखा करो अपनी। काफी सुधरी हो गई तुम्हारे साथ। सिर्फ तुम्हारी वजह से तो कभी नहीं हुई। नहीं, इतने क्लासिकल अंदाज से कभी भी नहीं हुई, जिस तरह तुम्हारी रोज होती है आदि भाई और फाजी भाई से। इंशाल्लाह दोनों सारी जिंदगी कुंवारी रहेंगे, मलंगी की दुआ है। कुछ शर्म करो, बड़े हैं तुमसे। बातें भी तो कितनी बड़ी बड़ी है उनकी, अभी देखना उनके बेस्ट बड़ी आ जाएंगे मुंह उठा के, फाज इब्राहिम और चंगेज खान। अस्सलाम वालेकुम फाजी भाई। ओए डरती उठी नहीं हो किसे? वालेकुम अस्सलाम। जितनी तुम जबान चलाती हो ना, उतना अगर दिमाग चला लो स्टडीज पे, तो चाचा जी की बार बार की एग्जाम की फीस बच जाएगी। सॉरी। जाओ जाके ढंग की चाय बना के लाओ हादी के रूम में। ओ मीनू, तू लड़की बहुत कूल है पर ये दुनिया फजूल है। अब कहो ना, मौका भी और दस्तूर भी। हाँ भाई, चले गए तुम्हारे ना होने वाले ससुराली। ओ दफा कर यार उनको, तू बता तेरा क्या हुआ? बेड़ा घर की हुआ है और क्या। यार मुझे तो लगता है गुल आपा की ना नियत ही नहीं है। नहीं, नियत की बात नहीं है यार, बस टाइम नहीं आया अपना। यार टाइम का तो पता नहीं, मुझे लगता है कि हमारे हाथों में शादी की लकीर ही नहीं है। तुम क्या खीखी करके हंस रही हो? कुछ नहीं। माशाल्लाह, ये भी तकल्लुफ ही किया है तुमने, बाकी की चाय भी ट्रे में गिरा देती। वो हाथ हिल गया था। हाथ नहीं, तुम्हारा दिमाग हिला हुआ है। जाओ सही से साफ करो इसे। ओ आराम से किफायत। चाचा को पता चल गया ना कि इतने टिश्यू निकालने हैं, तो हार्ट अटैक हो जाएगा उन्हें। हम पे हंस रही थी ये। पूरी दुनिया ही हंस रही है हम पे, मेरे दोस्त एक और बेवकूफ भी सही। किश्वर चाची बता रही थी फिर जॉब से ना कर आया हो तुम। ओ यार मेरे से नहीं होती है अकाउंट्स वगैरह की जॉब। तो सीधी जीएम की पोस्ट तो मिलने से रही तुम्हें। वो बात नहीं है यार, नहीं होती मुझसे अकाउंटेंसी की जॉब। ऊपर से अम्मी ने भी जो है वो जिद लगाई हुई है कि चाचा के पोल्ट्री फार्म के ऊपर बैठ जाओ। अब एमबीए मैंने इसलिए तो नहीं किया था ना कि जाके मैं मुर्गियों की फैमिली प्लानिंग करूंगा। तो मैं भी तो पेस्टिसाइड्स में नौकरी कर रहा हूं, मैं क्या शक्ल से अमेरिकी सुंडी लगता हूं? हां पर नहीं यार, नहीं होता मेरे से हिसाब किताब यार। आराम से कोई 9 to 5 वाली जॉब करूंगा किसी ठंडे ठार एसी वाली कंपनी के अंदर, पिक एंड ड्रॉप भी वही दिया करेंगे। लो जी मुबारक हो, बेबे का नया स्टेटस आ गया है, फीलिंग सैड। यार ये क्या कर दिया यार, लगता है इस बार भी रिश्ते से इंकार ही हो गया है। तू ऐसा कर बेटा, चुल्लू भर पानी में डूब मर। हाँ जाके ना मैं इनकी फीलिंग जो सैड है वो सेट करके आता हूँ। सेट करने से पहले मुझे लैपटॉप का चार्जर दे दे। उधर पड़ा है, ले ले। ईश्वर बस कर दे हौके लेना, अभी हादी की उम्र ही क्या है? ओ यही तो उम्र है, दादाजी ने भी दो दो शादियां निपटाई थी इस उम्र में। ताही लुढ़क गए सी, फौत हो गए सी। और कफैत, तूने ये गुस्सी हुई तोरे की तरह की शक्ल क्यों बनाई हुई? बेबे बेबे 1,500 का था देसी मुर्गा, अगर रिश्ता हो जाता तो। तो क्या? खुदा के लिए अपना हिसाब किताब का जो खाता है ना वो बंद कर दीजिए। मीनू मीनू चल पानी पिला ताई को। मुझे पानी पिला तेरे हाथ टूटे हुए हैं, तुझे मौत पड़ती है, एक काम कह रही है तो पिला उठ के।
वो काम कर रही है जरूरी, स्टेटस लगा रही मेरा। हाँ ये चुप कर जा, देख तो सही। सही तरह काम नहीं होता तुमसे। चिपका है ना, स्लिप हो गया हाथ। अच्छा जाओ वो चले क्या होती, वो कितना कहते। अच्छा पहले ग्लास तो सीधा करो। बेबी ये क्या फेसबुक पे आपने स्टेटस अपडेट किया है? क्या यही लिखा है फीलिंग से ऐड? अंग्रेजी नहीं आती तुम लोगों को? वो फाजी की तीनों बहनें हंस रही होंगी हम पर। आओ ले, वो क्या हंसेगी, उनका तो रिश्ता भी नहीं हुआ, वो तो ऐसी डेने बन के पूरे शहर में घूम रही होती है। सुना था लड़कियों को बर नहीं मिलते, यहाँ तो अच्छे खासे लड़कों को घास ही नहीं डाल रहा। चाची गधा कह रही है आपको। वे बकवास तो करनी मारी, मैं उनको निकल जा, मारूंगी एक जुत्ती तेरे मुंह के ऊपर। चप्पल उतार के आपने यहाँ करने, कौन सा आपके निशाने ठीक है? अम्मी आप तो रोना बंद करें। मुझे तो उसकी शक्ल ही पसंद नहीं आई, लड़की की माँ की सड़ी हुई शक्ल थी, बिल्कुल तेरी दूजी सास की तरह। अच्छा बस खत्म करें इस किस्से को, चल हादी नमाज पढ़ के आते हैं मस्जिद में। चल भाई चल, मेरा स्टेटस डिलीट करो। चल भाई आजा, कर दे मिर्ची कर दे। हाय हाय चुप तो कर जा, ये मेरी जूती फड़ाई दे, मैं चुप करावा। सीपत खान हाय हाय, मैं तुझे क्या करूं, तुझे समझ क्यों नहीं आ रही बात की? देख मेरी बात सुनना, क्या हो गया, कली हो गई है, उस भैड़ी शक्ल के लिए इतना रोती है भला? है दफा मार मारे हादी को, बड़ा रिश्ते बड़े रिश्ते। अरे मेरी जान समझने की कोशिश करो, गुलापा कभी भी नहीं मानेंगी इस रिश्ते के लिए। अरे नहीं कर सकता ना उनके साथ बहस। अरे भाई ये मरने की धमकी तो ना दो, मेरे दिल को कुछ होता है। अश्के भाई अश्के, वाका देना टाका, कितने स्वीट लग रहे ना उस्ताद जी अफेयर चलाते हुए। अच्छा उस्तादों के साथ उस्तादियाँ? अश्के भाई अश्के, चक्कर चल रहा है उस्ताद जी का, प्यार हो गया ना किसी के साथ। होने दो, तुम्हें क्या मसला है? अरे ढूंढो तो सही लड़की है कौन। ओ हेलो, मुझे कितने नफलों का सवाब मिलेगा? कद्दू भाभी है हमारी, और हो सकता है उसकी कोई छोटी बहन भी हो तो तुम्हारा भी चांस बन जाए। थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, लेकिन ढूंढूंगा कैसे? देखो फाजी भैया के सोशल मीडिया अकाउंट पे जिस लड़की ने हर पोस्ट पर लाइक किया मेरा, समझ देना वो ही हमारी भाभी। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, मेरे पेपर के सारे फरे तुम बना के दोगी। डन, माय पार्टनर इन क्राइम। अरे मीनू तो लड़की वाकई बहुत कूल है। अच्छा चल ना, रुलाएगा क्या? रुलाएगा, रो तो रही होगी इस टाइम पे। मिर्ची सही कान खींचे आदि भैया ने उसके, आई बड़ी सोशल मीडिया मैनेजर। इतनी जोर से डांटा है आदि भैया ने मुझे। ओए पुत्र क्या करूं, वो देखना रिश्ते और नौकरी की वजह से ना चल्ला ते कमला हुआ है। अच्छा हुआ ना इनके साथ लड़की वालों ने रिजेक्ट कर दिया। चुप कर जा, हौली बोल, सुन लेगा फिर फूफा करेगा। और तू भी क्या पोस्टर लगाती रहती है मेरे अकाउंट से? मैं तो छोटी दादी के मुकाबले में लगाती हूँ, आपने देखा नहीं था उस दिन लिखा हुआ था फीलिंग हैप्पी। बगैरत हैप्पी होएगी ना, रिश्ता ना होने की खुशी में लगाई होगी उसने मनूस। बेबी हादी भैया को ब्लॉक लिस्ट में ही ना डाल दूं, इनको नजर ही नहीं आएंगी हमारी पोस्टें। मुझे तो इलेक्शन की लिस्टों के अलावा किसी लिस्ट का पता नहीं है, तू खुद ही लफड़ डाल निकाल जो करना कर। है मैं खुद ही बना लेती हूँ सहेली को, क्यों हो गया मुझे आता बनाना। सब समझता हूँ मैं आपकी और आपकी छोटी चमची की फनकारियाँ। क्या मतलब है, तू हमारे दोनों के पीछे क्यों पड़ गया? उसे नहीं देखता बख्तों के बख्तों को जो हर वक्त फोटो में लगाते रहते नमी से नमी। कोई बात करना ही फजूल है आप लोगों से, तो ना कर जाए यहाँ से खजवान का। ये क्या हुआ? वो आया नोटिफिकेशन आई। बेबी फोटो लगा रखी है छोटी दादी ने नया जोड़ा पहनकर। ये तेरा बेड़ा तर्जुमे मरण जोगी है, इतनी शकीनी तो कब्र च लता, खबरदार लेट ना करी। मिशी आप ही ने भी पैर पर पट्टी बांधकर फोटो लगाई है। बेबे नीचे कमेंट कर दू गेट वेल सून। चल कर दे बच्चों से क्या लड़ाइयां करनी, छट परे। हेलो बेबे, दुआ करे आज मेरी सेंचुरी कंप्लीट हो जाए। ना क्या दुआ करूं, तुम लोगों ने तो ठान ली है मेरे हादी को आउट करने की, वो भी पहली बाल पे। उनसे कहें कि खुद ही कोई सेटिंग कर ले, आई स्वेयर कभी इनकार नहीं होगा। और छोटे मुंह तेरा चिट्टे बांदर बेबे, आओ आई बगैरत जिया। चल निकाल इसको, इसको भी बुला कर, अभी करती हूं। कर दिया। Thank you.
जी। एक सेकंड होल्ड करो। जी फाजिल भैया, आपने बुलाया मुझे, कोई खास बात थी क्या? जी, ये बंदरिया की तरह लटक लटक के क्या देख रही थी? नहीं, मैं तो वो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल की ना डेफिनेशन याद कर रही थी, सुनाऊं मैं आपको? कोई जरूरत नहीं है, जाओ जाके पेपर की तैयारी करो। और हाँ, दोबारा टेरेस पर लटकी ना तो दरख्त से लटका दूंगा, समझी? जी समझी। आप कैरी ऑन करें कॉल को, मुझे ना अम्मी बुला रही थी। हाँ, अरे यार तुम क्यों नहीं समझ रही हो बात को, पापा मर के भी नहीं मानेंगी इस रिश्ते के लिए। क्या हुआ अजी? कहा ना प्यार हो गया उस्ताद जी को, मुझे लगता है मुझे ही ना हाथ पे लाने पड़ेंगे उनके लिए। कनीज जरा ये मेरा जोड़ा तो देखो, है ना अच्छा? मैं सोच रही इसे अपना सूट बना लूं। ये आपने हादी के वलीमे के लिए नहीं रखा था? बड़ी ही ठंडी किस्मतें पाई हैं खानदान के लड़कों ने, मजाल है जो किसी एक के सहरे के फूल खिल जाए। आज मैं बहुत हूँ खुश, 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 बहुत हूँ खुश। तुम दोनों पागल तो नहीं हो गई? पागल ही तो हो गए उस्ताद जी किसी के प्यार में। सुनो सुनो दुनिया वालों, मेरे उस्ताद जी को हो गया है प्यार। क्या, शक्ल से तो बड़ा भला मानस लगता है। और मिर्ची बेटा आप जाओ यहाँ से, बच्ची ऐसी बातें नहीं सुनती। अरे साई अम्मी, उन्होंने प्यार किया है, कोई फ्रॉड थोड़ी किया है। और आपको पता है बात ना रिश्ते तक पहुंच गई है, लेकिन जो गुलाब आए ना वो उन्होंने की लव स्टोरी में विलन बन के खड़ी हो गई है। बको मत, फाजी ऐसा लड़का नहीं है। अरे आपके सर की कसम, मैं अपने कानों सुनकर आई हूँ, रोज जो है ना वाका और टाका हो रही है। गुल तो कभी भी नहीं मानेगी। अरे तो आप बनाए ना, क्या फायदा फाजी भैया को दो दो चाचियों का? फायदा तो उस बेचारे को तीन तीन बहनों का भी नहीं है। अरे तो आप लोग किस मर्ज की दवाएं? हाँ जाए जाके नवाब हाउस की दरो दीवार को हिला दें। फाजी भैया को ना आप दोनों की सख्त जरूरत है। हाय हाय, उनके भी बेलने च बा आ गई उस्ताद जी की, क्या हुआ है? दिल आ गया उनका किसी पे। हैं? आप बैठे मैं बताती हूँ। बैठ गई हूँ दस। बुआ ए लो तुसा दे लई गरम गरम कीमा। कह तो ऐसे रहे जैसे खुद बनाया हो। किचन से तो पोत्र मैं ही लेके आया हूँ ना। बड़ा कोई पहाड़ तोड़ दिया ना आपने अपनी बुआ के लिए। अम्मा शुक्र करें उस दिन लड़की को नहीं देखने गया। हैं? क्यों क्या हुआ? फेसबुक पर उसकी आईडी देखी, इतना मोटा नजर का चश्मा लगाया हुआ था उसने। हाँ। तो पढ़े लिखे लोगों की निशानी होती है ये है? हमें नहीं चाहिए पढ़ाकू लड़की जो साथ में चश्मा टूबी हो। आप आप क्या हो गया? आपा आप मुझसे बिल्कुल बात मत करें, जा रही हूँ मैं। यार उसके पाँव पर चोट आई हुई है। पैर पे नहीं सर पे चोट लगी हुई है, इसलिए हर ऐनक और चश्मे वाली बात खुद पर ले जाती है पागल। और मैंने सुना कि बुआ फल्की ने एक और रिश्ते का बताया। पहले निवाला निकल ले फिर बात कर ले। हाँ भागा नहीं जा रहा। हाँ बताया रिश्ता फल्की ने, 18 साल की लड़की है। अम्मा किंडरगार्टन खोलना है क्या घर में? हैं? अम्मा सुन ले अपने मिठल की बातें। वैसे बात तो ठीक ही कर रहा है, 18-19 साल की लड़की की कहाँ कोई अकल होती है। आप लोगों ने जो भी सोचना है सोच ले, मुझे एक कम उम्र और खूबसूरत लड़की चाहिए, आखिर मैंने भी चार लोगों को मुंह दिखाना है। पांच लोगों को मैंने भी मुंह दिखाना है, मुझे एजुकेटेड और सेंसिबल लड़की चाहिए। पूरा एक मिनट बड़ी हूँ मैं तुझसे, और अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल शादी का तजुर्बा भी है। इसी तजुर्बे से तो डर लगता है मुझे। जो कुछ भी हो जाए दुल्हन मैं ही लेके आऊंगी इस घर में। आपा यार आप जाकर मिशी को देखो, पता नहीं कहाँ उदास बुलबुल बनकर बैठी होगी। उसका मोबाइल यहाँ पड़ा है, खुद ही उड़कर आ जाएगी। वल में कूद डालते चेक करा। वल माइंड तो नहीं कीता। चल ऐ नवाला तू खा आ। फाजी हम क्यों डांस कर रहे हैं? अरे फाजी भैया की शादी की खुशी में। अच्छा किसके साथ? जिससे वो प्यार करते हैं और जिससे चुप चुप के बातें करते हैं। कौन है वो? वलीद ना ढूंढ रहे हमारी भाभी को, उसको मैंने टास्क दिया हुआ है। मिर्ची आई चची। ये ले वाली भैया, ताई अम्मी ने आपके लिए बादामों वाला दूध भेजा है,
और कह रही थी कि मेरा बेटा 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। बड़ा पढ़ रहा होगा। वाली ये क्या बदतमीजी है मीनू? अरे यार एनर्जी लेवल डाउन हो रहा था। अच्छा हाँ बताओ क्या हुआ उस लड़की का? फाजी भैया के अकाउंट पर लड़की बल्कि किसी लड़के का भी लाइक नहीं है और साल में सिर्फ 2 पोस्ट है। ईद मुबारक। वैसे शक्ल से इतने एंटी सोशल लगते हैं उस्ताद जी। वलीद वलीद अस्सलाम वालेकुम चाचा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। तुम मगरिब की नमाज पढ़ी तुमने? जी चाचा वो बदर मस्जिद में। अच्छा किस सफ में थे? 5वीं। सिर्फ 3 सफे बनी थी? झूठ बोल रहे हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। सॉरी चाचा। अश्के भाई अश्के, सुतरी हुई है तुम्हारे साथ? खुद ही ढूंढ लो लड़की, जा रहा हूँ मैच खेलने। डोंट वरी, कल अम्मी और ताई अम्मी का वफद जा रहा है पड़ोस में, इंशाल्लाह नाकाम होकर ही वापस आएंगे। हाँ भाई, 2 घंटे से पानी की मोटर चल रही है। मोटर को छोड़े, मैं जा रही हूँ किशोर भाभी के साथ। शॉपिंग पे पैसे बर्बाद करने होंगे। क्या हो गया आपको? अम्मा की तरफ जा रही हूँ पड़ोस में। हाँ फिर तो जरूर किसी ना किसी की टो लेनी होगी। अरे नहीं बाबा, मीनू कह रही थी फाजी किसी लड़की को पसंद करता है। मीनू बेवकूफ की बातों पे तुम यकीन कर रही हो? वालदे मोहतरम आप ना मुझे इतना इजी ना लिया करें, 3rd semester की स्टूडेंट हूँ मैं। 2 साल फेल ना होती तो एमए कर चुकी होती। वो भी कर लूंगी किसी ना किसी दिन इंशाल्लाह। तुम्हारा एमए रियाजी ख्वाब है मेरा, ख्वाब। बहुत ही कोई डरावना ख्वाब है अब्बा। खैर एमएससी होता है मैथमेटिक्स में। चले आप तो चले। वो आदि को भेज देना, वो खाता चेक करना है मुर्गी खाने का। पता नहीं 25,000 का रोला कहाँ से पड़ गया, समझ ही नहीं आई ये गड़बड़ कैसे हो जाती है। जहाँ से पैसे बचाता हूँ फिर कहीं और से खर्च हो जाते हैं। ओफो। अरे अरे ये लो। बचत होगी मेरे ख्याल में। सुना है चोट लगी थी तुम्हें, कहाँ पे लगी? जी दिल पे। क्या? मेरा मतलब है पांव पे। अच्छा किधर? ओ, ये तो पट्टी खुल गई। अच्छा मिशी वो फाजी मेरे लैपटॉप का चार्जर लाया था तो मैं ला देती हूँ। अरे इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो, मेरी भी ताया का घर ही है, बेशक सोतेले ही से। सॉरी। बाय द वे ग्लासेस सूट करती हैं तुमको। खुद की नजर ही लग गई। गुड मॉर्निंग बेटा गबरू, आज तेरी चंपी करूं। सारे बाल खुश्क हो गए, झड़ गए तो कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। वो तो वैसे भी नहीं मिलेगा, जितना फरमाइशी प्रोग्राम चला हुआ है इस घर में। बाल क्या, मेरी तो जवानी झड़ गई। अरे छुट्टी एंजॉय हो रही है। आ गया बेटा पुत्र, बेटा गबरू, इथा बैठ बेटा जिंद मेरी जान। कसम नाल अम्मा साई ताकू वे की मेरा हाथ अरविंद है। अम्मा चूना लगा रहा है आपको? अम्मा को पता है कि कितना प्यार करता हूँ मैं इनसे, तभी तो बेबी की झिड़की सुन के भी आ जाता हूँ यहाँ पर। और तू मेरा चार्जर ला भाई, टाइम नहीं मेरे पास। स्टडी में पड़ा हुआ, मैं लेकर आता हूँ। तू तब तक बैठकर अम्मा की गीबतें सुन बेबी के खिलाफ। हाँ तेरे तो लगवाया ही नहीं। आ तेरी चंपी करूँ, तेरे भी बाल बहुत गिर रहे हैं। अम्मा मैंने तो पेडीक्योर के लिए जाना है। पेडीक्योर? वो तो मुंह का होता है। हाँ जी हाँ जी, जाओ जाओ जरूर जाओ, पुट्ठी छुरी से हलाल करेगी तुम लोग। अरे भाई अगर आप लोग नहीं जा रहे ना तो मैं जा रही हूँ फिर। हेलो चोर ना लो पांड काली। अरे कुछ नहीं होता ताइमी, आप ना कुछ पढ़ के फूक दीजिएगा गुलाब पे। अरे बेटा मैं कोई जादूगर नहीं थोड़ी हूँ, मेरा ख्याल है नहीं जा। अरे ऐसी चाचे ना कोई दुश्मन को भी ना दे। बेबे आप ही थोड़ा ख्याल करें, फाजी भैया इतनी मोहब्बत करते हैं आपसे। और चलो कोई नहीं, ऐसा करो तुम चली जाओ, शायद उस पिछल पैरी को कोई अकल आ ही जाए। बेबे मीनू जो है ना मैं मरवा देगी, इतनी लंबी जबान है गुल की। अरे कोई डरने की जरूरत नहीं, आप लोगों को नेक परवर की बहुएं हैं आप लोग। चले भाई चले, शाबाश आ जाए, चले चले चले। ओ मिर्ची तुम तो इधर आओ, पार्टी करते हैं। ओ बल्ले 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 नाचे है ये सावला पिया, बल्ले बल्ले ले जाएगा भावरा। तमीज से। हादी भैया। फरमाइए। सुना उस्ताद जी का कोई चक्कर वक्कर चल रहा है? उसके चक्कर का तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारा दिमाग जरूर चकरा गया। हादी भैया पापड़ खाएंगे? ये क्रच क्रच अंदर जाके करो, एक जरूरी ईमेल कर रहा हूँ। अरे छोड़े ना, नौकरी शौकरी तो आपको मिली नहीं है, क्या करेंगे इंटरव्यू शेड्यूल देकर? जाती हो या चच्ची को बुलाऊं?
आपकी चची ना एक जरूरी मिशन पे गई हुई है। बस दुआ करें कि उस्ताद जी के सेहरे के फूल खिल जाए और मेरी जान छुटे इस मैच से भी और उस्ताद जी से भी। हादी भैया ये फोन तो दे दें, गेम खेलूं। मेरा मोबाइल गेम्स खेलने के लिए नहीं है। कोई कॉल बोल तो आती नहीं है। निकलो दोनों यहाँ से, बाहर निकलो। से कॉल्स तो वाकई नहीं आती। मिशी की मौज का पता चला तो सोचा पूछ आए उसे। हाँ चची, मिशी ने सोचा वैसे तो चचियाँ आएंगी नहीं तो पाँव में मोची लगवा लेते। अरे गुल, शर्मिंदा क्यों करती हो? वालेकुम सलाम, बैठो बैठो। आने दे दिया तुम्हारी बेबी ने तुम दोनों को। जी जी, मिशी बेटा कैसी है अब आपकी तबीयत? ठीक हूँ। अब तो उसके पैर का दर्द भी खत्म हो गया है। दो कदम पे तुम्हारा घर है, पूरे दो हफ्ते बाद चक्कर लगाया। वो अब मसरूफी थी, कुछ ऐसी थी। हादी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं ना। आपकी मुलाजमा चंबेली नहीं नजर आ रही। वो कमबख्त, वो तो अपने मामू के चौथे बेटे की शादी निपटाने गई है। पता नहीं लोगों को आजकल इतने रिश्ते कैसे मिल जाते हैं। हम तो खुद हादी के रिश्ते की तलाश में हैं। तो यहाँ देखे ना चाची जान। क्या रिश्ता? नहीं नहीं, टीपॉट गुलापा लाई है गुल प्लाजा से। कैसा है? अच्छा है। वैसे पता नहीं कब गूंजेंगी इस घर में शादी की शहनाइयाँ। कोई ढंग का रिश्ता मिले तो इसी एतवार कर दूं मैं तो फाजी की शादी। एक मिनट ना रुको। फाजी से भी जरा पूछ लें, क्या पता उसे कोई लड़की ही पसंद हो। अरे चची, हमारा फाजी ऐसा नहीं है। आज तक उसने आंख उठा के किसी लड़की की तरफ नहीं देखा। वो भाभी का मतलब था बाज दफा आसपास में कोई लड़की होती है जो नजर में हो। तुम्हारा क्या ख्याल है, हमारा बच्चा आसपास की लड़कियों को ताड़ता फिरता है। नहीं नहीं उफल्ला अम्मा, चची जान का कहने का मकसद ये है कि आसपास की लड़कियों को देखना चाहिए रिश्ते के लिए। देख तो मैं चुकी हूँ और सारा छान बुरा ही है। हमारा फाजी लाखों में एक है और माशाल्लाह नौकरी भी बहुत अच्छी लगी हुई है। तो जब लड़की हम चुनकर लाएंगे फरमाबरदार होगी, खूबसूरत होगी और अपने मियाँ की बहनों से भी खूब मोहब्बत करती होगी। क्यों अम्मा? ये चुनाई जरा जल्दी कर लो, ये ना फाजी की उम्र निकल जाए। मेरे ख्याल में कनीज हमें इजाजत लेनी चाहिए। हाँ, अरे चाय तो पीकर जाएं। नहीं नहीं बेटा, बहुत शुक्रिया, फिर आएंगे इंशाल्लाह। चलिए कनीज। अच्छा बाय बाय। जी सलाम। छोड़ कर आओ मिशी। देखा अम्मा कैसे टो लगाने आई थी दोनों। जासूस कहीं की। जाने ही नहीं चाहिए था। क्या हुआ, मना लिया अम्मा को? हाँ मैं हमें जलील करा दिया। अरे क्या मतलब? अरे अम्मा जो है ना वो पीछे ही पड़ गई पंजे झाड़ कर। अब वो गुल के ताने सुने थे हादी की बेरोजगारी के। कनीज मुझे तो लगता है वो अपने भाई का रिश्ता ही नहीं होने देंगी। अरे कोई बताए तो सही, हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ, वो जा रहे किसी और लड़की को देखने। क्या वो पागल तो नहीं हो गए? रोक लो अगर रोक सकती हो। आए माँ सच के जाए, आ गई मेरी दोनों बहुएं अपनी छोटी अकल वाली छोटी सास को समझा के। हैं हेलो दस्ता दो। वैसे गिट्टे गोटे तुम्हारे ठीक है, सही लग रही हो, सुनाओ फिर। बेबे आप ना बिल्कुल ठीक कह रही। पुत्र होछे घर का खाना सारी उम्र का ताना। मीनू ने मरवा दिया। मीनू तेरा बेड़ा तक है? नीमी नीमी होकर निकल यहाँ से चल, और हर बात में फूफी ना बनाकर तू चल गया। तुम लोग भी किसकी बातों में आ गई हो है? बोलो। फाजी भैया मुझे ना आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। टेस्ट कैंसिल नहीं होगा, आगे बताओ। ये बात नहीं है, मैं तुम्हारी कोई सिफारिश नहीं करूंगा किफायत चाचा से किसी भी उटपटांग मामले में, आगे बताओ। वो ये बात भी नहीं है। तो जो बात है जल्दी बताओ ना, फजूल का टाइम नहीं है मेरे पास। वो ना गुलापा और अम्मा आपके लिए किसी लड़की का रिश्ता देखने गई हैं। तो मतलब किसी और लड़की का रिश्ता देखने गई हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? मसला बेटा मुझे तब होगा जब तुम आज के टेस्ट में फेल होगी, इसे प्लीज जाकर तैयारी करो। बुजदिल कह के इनका सारा जोर ना सिर्फ मुझ पे चलता है, मुझ मासूम पर। ठीक कहती है मीनू,
लड़की तो बड़ी कूल है लेकिन दुनिया बड़ी फसकूल है। ना होगी इनकी शादी और ना जान छुटेगी मेरी इस ट्यूशन से। ये तुम्हारी टकरों के ऊपर अगर टैक्स लगता होता ना तो मुल्क का आधा कर्जा उतर जाना था अभी तक। चलो अब कर्जा भी मैं ही उतारूं। तो और कौन सी जिम्मेदारी है तुम पर? बता देना अम्मी को, बाहर जा रहा हूँ मैं। लगा दी ना जिम्मेदारी, जाके पढ़ो तुम। से देखो बस काम काम काम। मिस्कीन इधर आओ। जी सरकार आ गया। ये रखो और इसको घुमा मत देना, इसमें बहुत कीमती सामान है। अच्छा ओके सरकार, टेंशन ना लें आप। मिस्कीन गाड़ी ठंडी कर, गर्म गाड़ी में बैठने का मूड नहीं हो रहा मेरा। हाँ बुआ मैं अभी गाड़ी को ठंडी करके आया। दादा मस्के ना लिया करो, जल्दी जाओ गाड़ी लेकर आओ। हाँ चलो चलो। ये आपने क्या फजूल सा फूल लगाया हुआ है? पॉट में कुछ जीवन दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप तो बड़ी कूल लग रही है, अपने बेबे को जरूर बताना। ठीक है। सुनो तुम हादी से क्यों नहीं पढ़ती? हाँ वो तो बिजी रहते ना अपनी जॉब की वजह से। अब तो हमारा फाजी भी बिजी हो जाएगा अपनी शादी की वजह से। बस दुआ करो आज बात बन जाए। क्या फायदा जब दिल ही खुश ना हो। है? पागल तो नहीं हो गई है ये? अरे पागल कहाँ जा रही हो? ट्यूशन पढ़ने। फाजी घर पर नहीं है, तुम्हें नहीं पता? मुझे कौन बताएगा? वो ऑफिस गया हुआ है। मतलब छुट्टी? इसको देखिए, इसका पूरा खानदान जाहिल है, ये पढ़ के क्या करेगी? उसको आप जाहिल कह रही हैं? खुद आप गुलदान बनी हुई अम्मा। तेरे दाजी मरहूम की याद में लगाया है। उनकी याद में कुरान पाक पढ़ लिया करें, ये फूल पत्ते आपकी उम्र पे सूट नहीं करते। हाँ हाँ तो पढ़ती हूँ, पूरे मोहल्ले में अनाउंस करा के पढ़ूं क्या? बुआ बुआ गाड़ी ठंडी थी गई है, हमें देर हो रही है, चलने का प्रोग्राम नहीं है। हाँ चलो 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 चलो। या अल्लाह मेरे को माफ कर दे, अब से पढ़ूंगी। लो जी माशाल्लाह, गुलाबों को फाइनली लड़की पसंद आ गई। क्या दिखा दिखा दिखा, पिक्चर दिखा यार। दिखा दूं? अब बेहद दिखा रहा है। ये देख इंस्टा के अकाउंट का लिंक भेजा है। अरे वाह हम भी तो देखें भाभी। कोई 25 से एक शेयर आ चुके हैं अभी तक प्रोफाइल के ऊपर। क्या मतलब? अर्ज किया है वजन की परवाह नहीं, वजन की परवाह नहीं, डॉलर की तलाश है। वाह 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 वाह। क्या वाह, ये देख ले खुद भी देख ले, कुछ 25,000 और पिक्चर्स भी हैं टेडी बियर के साथ। ओ, एक और शेयर बड़ी जोर से आया है मैडम को। कर समाज फरमाइए। रख कर रास्ते में नफरतों के कंटेनर, रख कर रास्ते में नफरतों के कंटेनर, तुमने दिल को इस्लामाबाद बना दिया। वाह भाई वाह, मैं तो कहता हूँ भाभी के घर में आती महफिलें सजा करेंगी, मजा आ जाएगा मजा। मुझे मजे सूझ रहे हैं यहाँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और गुलापा माँ बैठी भी जवाब मांग रही है मेरा। मैं तो कहता हूँ इसको जवाब ही दे दे। Obviously यार, मुझे एक sensible और well educated life partner चाहिए। इससे क्या शादी के बाद ट्रकों के पीछे शायरी कराऊंगा मैं? अरे चुप कर, कैसे गुजरेगी इसके साथ मेरी जिंदगी? ये बात मुझे नहीं अपनी बहनों को समझाओ। लो जी आपा तो वारी सदके जा रही है इस लड़की पर, लगता है फाइनली कराकर छोड़ेंगी। क्या बोलूं? रूमी की कॉल आ रही है। अबे इधर दे यार, तेरा मसला हल कराता हूँ मैं। क्या मसला? क्या कर रहा है? हेलो छोटी कैसी हो? हादी भैया बात कर रहा हूँ। तुम आई नहीं आज? क्या तुम्हें नहीं पता? फाजी के लिए लड़की फाइनल कर दी गुलापा ने। क्या कर रहा है? क्या मतलब तुमसे मशवरा भी नहीं किया? ओहो, देखो तुम अपनी छोटी छोटी बातें भी शेयर करती हो उनसे और इतनी बड़ी बात उन्होंने शेयर नहीं की तुम्हारे साथ। हाँ देख लो, अब ऐसी लड़कियां घर में आएंगी तो तुम्हारा आना तो फिर मुझे मुश्किल ही लग रहा है। ठीक है। नहीं नहीं फाजी भी इतना हर्ट हो रहा था, वो कह रहा था कि देखो रूमी को लड़की दिखाई भी नहीं और गुलापा ने फाइनल कर दिए। अच्छा हाँ हाँ, तुम खुद ही बात कर लेना गुलापा से। ठीक है ओके देन, अल्लाह हाफिज़। डफर ये क्या किया है? बे तेरा मसला हल कर दिया है मैंने। मैं तो कह रहा हूँ भाई तू टेंशन ही ना ले, अब सब कुछ रूमी करवा देगी यार। तू जबरदस्त किस्म की कॉफी मंगवा भाई के लिए और टेंशन लेना छोड़ दे इस रिश्ते के बारे में बस। बहुत ही कोई शैतानी रूह घुसी हुई है तेरे अंदर। चल कॉफी का टाइम नहीं है, घर जाके पीना। मीनू वेट करिए ट्यूशन पे मेरा, घर पे चला। हमसे पहले तो रूमी आ जाएगी अब घर।
लगता है अपनी ना होने वाली मिसेस को ही मैसेज कर रहे हैं। ऐसे बुजुर्ग लोग बस बातें ही कर सकते हैं या मुझ जैसे मासूमों पर रोप डाल सकते हैं। तुम क्या नजरें घुमा घुमा कर देख रही हो? कुछ नहीं, वो मैं फॉर्मूला भूल गया था मुझे। मैथ रट्टे लगाने से नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करने से आता है। हाँ कर रही हूँ इस्तेमाल। तुम्हारे क्यों दांत निकल रहे हैं? फाजी भैया आप किससे प्यार करते हैं? हाँ? अब प्यार? किस डफर ने बोल दिया तुम्हें? वो मैंने कहा था उसे कि ना फाजी भैया अपनी सारी बहनों से ना बहुत प्यार करते हैं। तुम चुप करके अपना काम करो ना। और तुम भी चुप करके अपनी नोटबुक दिलाओ। शाबाश। ये क्या है? क्या ये प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं। अरे नहीं नहीं आप ये देखे ना यार, ये डेरिवेटिव फॉर्मूला क्यों गलत लगाया हुआ है? भाई गीजर का पाइप आकर देख ले, लीक कर रहा है शायद। दुरुस्त फॉर्मूला लगाओ नहीं तो वापस आके तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करता हूँ। हाँ भैया आप किससे प्यार करते हैं? ऐसे पूछता कोई भाइयों से? बेवकूफ ना हो तो खुद बड़े अकलमंद हो, अब लेना इमली मुझसे। अरे चलो आज का फोन। अरे यार ऐसे सिक्योरिटी लगाई हुई जैसे एटम बॉम्ब का फॉर्मूला हो अंदर। बस यहाँ रोकते हैं, यहाँ रोकते हैं, आगे आगे यहाँ पे बस 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 बस, बस। Thank you.